स्टडी फॉर जॉब यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की यह वीडियो स्पीडी जीके के लिए 34वां भाग होगी। आपको बता दें कि इसके 33 पार्ट हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और आपको उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आप इस वीडियो का पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करें, उससे पहले आप इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें और इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। आज के क्वेश्चन आधारित होंगे कंप्यूटर पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि एमएस विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। एमएस विंडोज की बात की गई है, तो विंडोज का नाम आपने जरूर सुना होगा। विंडोज इस समय विंडोज 10 चल रहा है, इससे पहले 8.1 था, 8 था, विंडोज 7 था, विंडोज 9 नहीं आया। तो यहाँ पे विंडोज को पूछा गया है कि किस तरह का सॉफ्टवेयर है, तो ये है GUI। अब GUI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। देखिए, बात करें अगर कंप्यूटर में है तो कंप्यूटर से आपके परीक्षा में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें फुल फॉर्म का बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसे GUI हो गया, ALU हो गया, मतलब कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CPU हो गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ROM हो गया, तो ROM मतलब कि रीड ओनली मेमोरी, RAM हो गया तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इस तरह ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके फुल फॉर्म से। तो यहाँ पे दिया गया था GUI, मतलब कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगला है कि वह कौन सा डिवाइस है जो दो या दो से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है। तो अगर कंप्यूटर को जोड़ा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि कंप्यूटर को जोड़ने वाले सिस्टम को हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं टोपोलॉजी। टोपोलॉजी, और देखिए कंप्यूटर को जोड़ने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। दरअसल एक ऑफिस है और वहाँ पे 10 लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पे 10 लोग हैं और 10 लोगों को में से किसी की फाइल किसी को ट्रांसफ़र करनी है, तो या तो आप ब्लूटूथ के जरिए करेंगे जो कि सेफ़ नहीं है, और आप या फिर केबल के थ्रू कर सकते हैं। तो आप किसी भी तरह से जोड़ रहे हैं जो इनको, मॉडेम के थ्रू आप सेंड करेंगे, इसको कहेंगे टोपोलॉजी। हालांकि ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि एक में होता है स्टार टोपोलॉजी, मतलब कि बीच में मेन होगा और बाकी तरफ जो भी सिस्टम होंगे। एक होता है मेश टोपोलॉजी, जिसके बारे में हमने कल की वीडियो में आपको बताया था। मेश टोपोलॉजी में क्या होता है कि सारे कंप्यूटर सभी कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। एक होता है बस टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि मेन केबल बीच में होती है और यहाँ पे साइड में एक एक कंप्यूटर लगे होते हैं। यहाँ पे एक कंप्यूटर लग गया, यहाँ पे दूसरा लग गया, यहाँ पे तीसरा लग गया, यहाँ पे चौथा लग गया। एक होता है स्टार टोपोलॉजी, जिसको इसको कहते हैं। तो इस तरह अगर आपसे पूछा जाए, कुल मिला के कहने का ये मतलब है कि अगर आपसे पूछा जाए कि कंप्यूटरों को जोड़ने का को क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं टोपोलॉजी। लेकिन अगर यहाँ पे पूछा गया है नेटवर्कों को, तो नेटवर्कों को जोड़ने के लिए कहते हैं गेटवे। अगला है कि कंप्यूटर विशिष्टता किसके साथ कार्य करके आंकड़ों की सूचना में प्रोसेसिंग करता है। तो कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है, तो ये समझता है 0 और 1 को, जिनको हम बाइनरी कहते हैं, और ये द्विधारी संख्या है जिनको हम बाइनरी नंबर यानी कि द्विधारी संख्या कहते हैं, यानी कि कंप्यूटर काम करता है नंबर्स पर। अगला है कि निर्माण प्रक्रिया में कौन किस मेमोरी चिप का प्रयोग होता है, तो ये होता है रोम। रोम मतलब कि रीड, यहाँ पे हम लिख देते हैं रीड ओनली मेमोरी। आगे बढ़ते हैं, तो अगला है कि जावा उदाहरण है। जावा क्या है, तो अगर आपने कल वाली वीडियो देखा होगा तो हमने वहाँ पे बताया था कि जावा हो गया या फिर C++, कोबोल, ये सारे कंप्यूटर के भाषा हैं। अब ये जो भाषा है कई तरह के होते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज होता है, मशीन लैंग्वेज होता है, असेंबल लैंग्वेज होता है, तो जावा एक उच्च स्तरीय लैंग्वेज है। अगला है कि वह हार्डवेयर डिवाइस जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, तो ये होता है CPU। CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग, यहाँ पे हम लिख देते हैं ताकि आपको आसानी हो, यूनिट। अब देखिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे हम कहते हैं कंप्यूटर का दिमाग, और ये एक हार्डवेयर है। हार्डवेयर का मतलब ये होता है कि जिनको हम छू सकते हैं, सॉफ्टवेयर का मतलब वो होता है जिनको हम छू नहीं सकते हैं। अगला है कि जब कंप्यूटर दिए गए अनुदेशों पर कार्य करता है तो उसे कहा जाता है क्या, मतलब कि कंप्यूटर जब कोई भी कार्य करेगा तो उसको हम कहते हैं कि कंप्यूटर प्रोसेसिंग कर रहा है। अगला है कि वह इनपुट डिवाइस जो सुपर बाजारों में व्यापक रूप से प्रयोग की जाती है, तो ये होता है बार कोड रीडर। देखिए आप कोई भी सामान जब परचेज करते हैं तो वहाँ पे इस तरह की कुछ कोडिंग की गई होती है, लाइन लाइन ऐसे दिखेगा आपको, यहाँ पे 4, 9, 0 ऐसे कुछ लिखा होता है, तो इसे हम कहते हैं बार कोड।
और इन बार कोड को पढ़ने के लिए जो मशीन यूज की जाती है उसे कहते हैं बार कोड रीडर। दरअसल होता क्या है कि इन मशीनों के द्वारा अगर इन पे आप स्कैन करते हैं तो आपको सारी जानकारी मिल जाती है उस प्रोडक्ट के। अगला है कि आईसी पर किसकी परत चढ़ी होती है। आईसी, तो आईसी का पहले फुल फॉर्म जान लीजिए। आईसी मतलब कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट भी आप कह सकते हैं। और इस पे किसकी परत होती है, तो ये होता है सिलिकॉन, सिलिकॉन की परत होती है। अगला है कि चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है, चुंबकीय डिस्क पे, तो ये होता है आयरन ऑक्साइड। देखिए जो हम सीडी यूज करते हैं, सीडी ये भी एक तरह का डिस्क है, इसका भी फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है और इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। अगला है कि कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं, मतलब कि कंप्यूटर में उसकी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं, तो ये होता है बिट में। बिट मिलके बनता है बाइट, बाइट से किलो बाइट, किलो बाइट से मेगा बाइट, मेगा बाइट से गीगा बाइट, गीगा बाइट से टेरा बाइट। तो इस तरह पूछा जाता है आपसे कि इनमें से कौन सबसे बड़ा है, जैसे कि आप दे देगा के बी, जी बी, टी बी और एम बी। तो इसमें पूछ लिया जाता है कि चलिए आप बताइए इसमें से कौन सबसे बड़ा है, तो यह है किलोबाइट, यह है गीगाबाइट, यह है मेगाबाइट और यह है टेराबाइट। तो टेराबाइट सबसे बड़ा है। 1 टेराबाइट में 1024 GB होता है और 1 GB में 1024 MB होता है, 1 GB की बात की गई है, और 1 MB में 1024 KB होता है। तो इस तरह आप इन्हें देख सकते हैं। अगला है कि स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या है, तो ये होता है बाइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, उससे पहले कंप्यूटर का एक बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं और आप उसका उत्तर कमेंट करके बताएंगे। आप बताइए कि कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है, कंप्यूटर के फादर्स किसे कहा जाता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। अगला है कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम क्या करता है। तो देखिए एक कंप्यूटर का जो प्रोग्राम होता है, खास करके चाहे वो जिस तरह का भी प्रोग्राम हो, क्योंकि प्रोग्राम भी कई तरह के होते हैं। एक होता है जिस पे पूरा कंप्यूटर चलता है, जैसे GUI हो गया, जैसे कि विंडोज हो गया, लाइनेक्स हो गया, एप्पल हो गया। तो इस तरह एक ये होता है, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे कि सिस्टम में जिसको हम यूज करते हैं, जैसे कि MS Word हो गया या फिर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हो गया। तो जो कंप्यूटर के जो भी प्रोग्राम होते हैं उनको कंप्यूटर को किसी भी कार्य को करने के लिए समर्थ बनाते हैं। अगला है कि वे टर्मिनल जिन्हें पहले कैश रजिस्टर्स कहते थे, प्रायः कॉम्प्लेक्स इन्वेंट्री तथा विक्रय कंप्यूटर प्रणालियों से जुड़े हैं, इनको क्या कहते हैं, तो ये होते हैं पॉइंट ऑफ सेल। अगला है कि वायरस, ट्रोजन हॉर्सेस और वर्म ये क्या है। तो देखिए यहाँ पे ये जो ट्रोजन हॉर्सेस है और वर्म है, ये दोनों वायरस का नाम है। और वायरस क्या करते हैं, तो वायरस जो कंप्यूटर का सिस्टम होता है उसको नुकसान पहुंचाते हैं, और ये नुकसान कई तरह का होता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है, जैसे कि किसी के सिस्टम को खराब करना, किसी की पर्सनल फाइल को चुराना, ये सारे होते हैं कंप्यूटर वायरस। इनका निर्माण ही बस इसी कामों के लिए हुआ है। अगला है कि 1 बाइट कलेक्शन है, मतलब कि 1 बाइट में कितने बिट होते हैं, तो 1 बाइट में होता है 8 बिट। अगला है कि सीडी रोम किसका उदाहरण है, सीडी रोम तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। अब देखिए यह है इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस क्या होता है, जिससे हम अपनी बात कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं, जैसे कीबोर्ड। कीबोर्ड से क्या होता है कि कीबोर्ड में हम कोई भी बटन प्रेस करेंगे और कंप्यूटर को पता चल जाएगा कि क्या करना है। अगर हम कंट्रोल के साथ पी दबाते हैं तो कंप्यूटर को पता चल जाएगा कि हमें प्रिंट करना है और वो तुरंत हमें प्रिंट दे देता है। तो यहाँ पे कीबोर्ड में हम जब भी दबाते हैं, कीबोर्ड है, माउस हो गया या फिर सीडी हो गया, जब भी हम कोई सीडी या डीवीडी जो भी हमारा लैपटॉप है या फिर डेस्कटॉप है उसमें इंटर करते हैं तो मूवी चलने लगती है। तो ये है एक तरह का इनपुट डिवाइस। इसी का एक उलट होता है, नाम होता है आउटपुट डिवाइस। और आउटपुट डिवाइस में क्या होता है कि आउटपुट डिवाइस में वो सारे डिवाइसेस आते हैं कंप्यूटर के, वो सारे भाग आते हैं जिससे कि हमें कंप्यूटर अपनी बात बताता है, जैसे कि प्रिंटर, स्क्रीन, तो ये सारे आउटपुट के उदाहरण हैं। अगला है कि कंपाइलर क्या है। तो ये देखिए जो ये आपका सोर्स कोड होता है उसको ऑब्जेक्ट कोड में बदलना ही कंपाइलर कहलाता है। अगला है कि वोलेटिलिटी किसकी प्रॉपर्टी है। वोलेटिलिटी मतलब कि देखिए जो मेमोरी होती है दो तरह की होती है, एक होती है वोलेटाइल, दूसरी होती है नॉन वोलेटाइल। तो वोलेटाइल मतलब कि रैम, नॉन वोलेटाइल का मतलब कि रोम।
अब देखिए, वोलेटाइल मतलब क्या है कि विद्युत रहेगा, मतलब पावर रहेगा तभी वो काम करेगा। नॉन वोलेटाइल का मतलब कि पावर नहीं रहेगा तभी भी वो वर्क करेगा। अगला है कि बाइनरी लैंग्वेज में अल्फाबेट का प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक अंक तथा विशेष प्रकार के कैरेक्टर का बना होता है, तो ये होता है 8 बिट के योग से। अगला है कि वे ग्राफिकल तस्वीरें जो फाइल, फोल्डर इत्यादि जैसे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हें हम कहते हैं आइकन। अगर आपको मोबाइल में समझाएं तो मोबाइल में आप देखते हैं ये मैसेज का आइकन होता है, ये मैक्स प्लेयर का आइकन होता है, ये यूट्यूब का आइकन है। तो इस तरह जो भी फोल्डर आपको दिखते हैं उन्हें हम आइकन्स कहते हैं। अगला है कि अपनी लागत और आकार के कारण कंप्यूटर अपेक्षाकृत कैसे होते हैं? अपनी लागत और आकार के कारण मतलब कि जो ज़्यादा पावरफुल हो, तो जो जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं उनको हम कहते हैं सुपर कंप्यूटर। एक सुपर कंप्यूटर लगभग 30 से 40 हज़ार मिनी कंप्यूटर के बराबर काम कर सकता है। तो चलिए, आपके लिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कि आप हमें कमेंट करके बताइए भारत के किसी भी सुपर कंप्यूटर का नाम, जो पहले बना हो बाद में बना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, भारत के किसी भी सुपर कंप्यूटर का नाम आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगला है कि कंप्यूटर डाटा एकत्र करते हैं जिसका अर्थ है कि वो उपयोगकर्ता को अनुमति देते हैं। मतलब कि कंप्यूटर को डाटा कहाँ से मिलता है? तो कंप्यूटर को डाटा मिलता है इनपुट से। जब हम कोई भी चीज़ कंप्यूटर को देना होता है, जैसे अभी हमने आपको बताया, जैसे अगर हम कंट्रोल के साथ ओ दबाते हैं तो कोई भी फाइल जो होगा फोल्डर ओपन हो जाएगा। तो वहाँ से क्या है कि कंप्यूटर को हमने इनपुट दिया, तो इसे कहते हैं इनपुट। अगला है कि वो कंपोनेंट जो आंकड़ों को संसाधन करते हैं ये क्या होते हैं, कौन सी स्थिति में होते हैं? तो ये होते हैं प्रणाली यूनिट। सॉफ्टवेयर का क्या मतलब है? तो सॉफ्टवेयर मतलब कि एक प्रोग्राम। अगला है कि दस्तावेज प्रिंट करने का शॉर्टकट क्या है? तो अगर आपको याद हो तो अभी हमने 1 मिनट पहले बताया था कंट्रोल प्लस पी। कंट्रोल के साथ अगर आप पी दबाते हैं तो यहाँ पे जो भी आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा वो प्रिंट हो जाएगा। खास करके इन्हें ब्राउजर में यूज किया जाता है, गूगल जो गूगल क्रोम है इस तरह के ब्राउजर में, या फिर मोजिला फायरफॉक्स है, ओपेरा है, इस तरह के में कंट्रोल और पी अगर आप प्रेस करेंगे तो जो भी आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा वो प्रिंट हो जाता है। अगला है कि वेबसाइटों को देखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? मतलब किसी भी वेबसाइट पे जाना है तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? तो ये होता है ब्राउजर। ब्राउजर मतलब अभी हम आपको बता रहे थे, कुछ ब्राउजर का नाम हम आपको बता देते हैं, गूगल क्रोम, गूगल क्रोम, ओपेरा मिनी, ओपेरा मिनी, फायरफॉक्स, फायरफॉक्स, इस तरह के और भी हैं लेकिन जो टॉप रेटेड हैं वो यही हैं। अगला है कि एक ही समय पर विभिन्न प्रकार के कितने डॉक्यूमेंट को आप खुला रख सकते हैं? तो देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है कि कंप्यूटर में आप एक समय पर कितने फाइल खोले रख सकते हैं। तो ये तो आपके कंप्यूटर के क्षमता पे डिपेंड करता है। अगर आपका कंप्यूटर का रैम अधिक है, जैसे कि अगर आपका कंप्यूटर i7 है और इसका रैम 8 GB है या फिर 16 GB है, तो यहाँ पे आप ढेर सारी फाइल को ओपन करके रख सकते हैं। अगर आपका केवल डुअल कोर है तो यहाँ पे आप बहुत कम फाइल ओपन करके रख सकते हैं। तो ये आपके कंप्यूटर के मेमोरी होल्ड पे डिपेंडेड है। अगला है कि वेब पेज में वह कौन सा शब्द है जिसे क्लिक किया जाए तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है? तो इसे हम कहते हैं हाइपर लिंक। हाइपर लिंक देखिए, हाइपर लिंक में होता क्या है, दरअसल आप किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं तो वहाँ पे कोई कई शब्द लिखे हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लिख देते हैं अपनी वेबसाइट का नाम सरकारी एग्जाम डॉट मी, और यहाँ पे और सारी चीज़ें लिखी गई हैं, लेकिन जो सारी चीज़ें हैं सबका कलर ब्लैक है, सबका कलर ब्लैक है, लेकिन जो सरकारी एग्जाम डॉट मी लिखा गया है इसका कलर ब्लू है। अगर आप किसी दूसरे वर्ड पे क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप इस ब्लू वाले पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको दूसरे, मतलब आप दूसरे पेज पे चले जाएंगे। तो यहाँ पे जो इसके अंदर कोई एक नया एड्रेस दिया गया है इसको हम कहते हैं हाइपरलिंक। तो अभी तक आपने इस वीडियो को जरूर लाइक कर दिया होगा, अगर आपने नहीं किया है तो जरूर लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर भी करिए। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगला है कि रैम का पूरा नाम, तो रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी यहाँ पे लिखा गया है, और हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कंप्यूटर के क्वेश्चन जो भी पूछे जाएंगे यहाँ पे फुल फॉर्म का बहुत बड़ा योगदान होगा। अगला है कि विशिष्ट इनपुट अथवा आउटपुट डिवाइस को शेष कंप्यूटर प्रणाली के साथ कम्युनिकेट करने की अनुमति प्रदान करने के लिए कौन सा प्रोग्राम होता है? ये होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, सिस्टम कई तरह के होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब कौन कौन होंगे? तो ये होगा विंडोज, नाम सुना होगा आपने, लाइनेक्स,
तो इस समय वैसे जो भी कंप्यूटर यूज किए जा रहे हैं अधिकतर लोगों के पास विंडोज ही है, एप्पल एप्पल के जो कंप्यूटर आते हैं। तो ये विंडोज इसलिए ज़्यादा लोगों के पास है क्योंकि ये सस्ता होता है, थोड़ा सा इसकी कास्ट उतनी नहीं है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे कि आपके मोबाइल में कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो अधिकतर लोगों के मतलब 99% लोगों के मोबाइल में है एंड्रॉयड, कुछ लोगों के पास है एप्पल, और जो एप्पल का कंप्यूटर होता है इसे मैक कहते हैं, मैक। अगला है कि इस प्रकार के कंप्यूटर का कंप्यूटर सबसे कम शक्तिशाली है, फिर भी इसकी सबसे अधिक प्रयोग होता है, यह तीव्रतम वृद्धि करने वाला कंप्यूटर है। तो मतलब कि पूछा गया है कि ऐसा कंप्यूटर कौन सा है जो कम शक्तिशाली है लेकिन ज़्यादा यूज होता है, तो यह है मिनी कंप्यूटर। क्योंकि आप सुपर कंप्यूटर तो घर पे यूज नहीं कर सकते क्योंकि ना तो हमें उसकी ज़रूरत है और ना ही हम उतना कास्ट पे कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो अगला है कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का निर्माण करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के लिए में जो भी हम काम करते हैं उसको हम डॉक्यूमेंट कहते हैं। अगला है कि ऐसी डिवाइस जो केबल के प्रयोग के बिना ही नेटवर्क से जोड़ती है, मतलब कि बेतार, अगर हिंदी में कहे तो बेतार, मतलब कि अगर आप चाहें तो आप अपना फ़ोन किसी और के फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं वाईफाई से। तो ये होता है बेतार सर्विस, और इसको हम कहते हैं वायरलेस। वायरलेस मतलब कि बिना तार का, तो वायर मतलब तार, लेस मने नहीं, मतलब कि बिना तार का। तो जो भी हम क्रियाकलाप करते हैं, खा ब्लूटूथ करें, वाईफाई करें, शेयर इट, सारे सब आपके पास ब्लूटूथ और हॉटस्पॉट वाईफाई से सारे चीज़ चलते हैं। अगला है कि मेन्यू भाग में होते हैं, तो ये होता है स्टेटस बार जो नीचे आपको दिखता है कंप्यूटर में, उसको हम कहते हैं। आगे बढ़े तो अगला है कि सीपीयू में होता है। तो पहले तो सीपीयू का फुल फॉर्म जानिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और सीपीयू में होता है एक सीयू, सीयू मतलब कि कंट्रोल यूनिट, और इसके साथ होता है एएलयू। एएलयू मतलब कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का काम क्या है, तो मैथ से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं ये करता है एएलयू। कई बार आपसे परीक्षा में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला है कि कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें नहीं होगा। तो कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो उसमें बूटिंग नहीं होगी। बूट मतलब क्या है कि उसमें कोई भी प्रोग्राम चलते, मतलब चलाना। जैसे कि अगर आप कोई लैपटॉप परचेज करने जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको दो तरह के मिलते हैं, एक होता है डॉस, एक होता है विंडोज। तो देखिए जो डॉस है इसमें क्या है कि कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं अपलोड है, ये थोड़ा सा कम कास्ट होता है। जैसे कि अगर विंडोज का आप लैपटॉप लेंगे, आपको इसके लिए अगर 50,000 रुपये देना है, तो अगर वही सेम टू सेम लैपटॉप वही क्वालिटी लेते हैं डॉस में तो आपको 45,000 तक ही मिल जाएगा। इनफैक्ट ये 42 तक भी मिल सकता है। तो होता क्या है कि दरअसल डॉस में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है। इसको लाने के बाद आपको अलग से या तो विंडोज डालिए, लाइनेक्स डालिए, इसको डालना पड़ेगा आपको। लेकिन जो विंडोज है इसमें विंडोज ऑलरेडी अपलोडेड है। तो ये होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला है कि रोम, रोम में कौन सी विशेषता होती है। तो रोम में देखिए डाटा को खतरा नहीं है, बिजली नहीं होने पर भी यह काम करेगा, क्योंकि रोम होता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या है, तो नॉन वोलेटाइल का ये मतलब है कि बिना विद्युत का भी ये काम करेगा। मतलब कि आपने जो अपने मोबाइल में सेव कर दिया, अब अगर वो मोबाइल बंद भी हो जाएगी, बाद में आप खोलेंगे तब भी वो डाटा उसमें रहेगा। लेकिन अगर आपने कोई चीज़ सेव नहीं किया है और आपकी मोबाइल अचानक से बंद हो जाती है तो डाटा चला जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला है कि कंप्यूटर संसाधनों के प्रबंधन से संबंधित विशिष्ट कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए प्रोग्रामों को क्या कहते हैं। तो इन्हें कहा जाता है अगेन ऑपरेटिंग सिस्टम। और आपको इस वीडियो के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दें। देखिए इस तरह की ढेर सारी वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आपने पता कौन सा पार्ट देखा है हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ पे इस तरह की 50 से अधिक वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। आप प्लेलिस्ट में जा करके उन सभी वीडियो को देख पाएंगे। हालांकि ढेर सारी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगला है कि सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन होता है, तो ये होता है सुपर कंप्यूटर। अगला है कि एसी इंटरनेट सेवा उपलब्ध संस्थानों को मल्टीमीडिया इंटरफेस प्रदान करती है, उसे क्या कहते हैं। तो ये होता है वर्ल्ड वाइड वेब, WWW का नाम आपने सुना होगा, तो ये होता है वर्ल्ड वाइड वेब। इसका फुल फॉर्म कई बार आपसे पूछा गया है। तो चलिए आपसे तीसरा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है। आप हमें कमेंट करके बताइए ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है। ईमेल का फुल फॉर्म आपको अगर इसका हिंदी में नाम बता दें तो इसे कहते हैं राजपथ। राजपथ कहा जाता है ईमेल को, लेकिन आप इसका फुल फॉर्म बताइए इंग्लिश में, ईमेल का फुल फॉर्म क्या होगा, कमेंट करके बताइएगा। अगला है कि
जीयू का फुल फॉर्म तो यह है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगला है कि कंप्यूटर नेटवर्क में कौन से प्रकार का संसाधन सामान्यतः शेयर किया जाता है। शेयर मतलब कि कोई भी चीज़ अगर हमको प्रिंट करना हो तो इसके लिए हमें प्रिंटर की ज़रूरत होती है। पेज पर कितने मार्जिन होते हैं, तो पेज पर होते हैं 4 मार्जिन। और मार्जिन क्या होता है ये आपको समझना होगा। जो कंप्यूटर प्रिंटर में, मतलब कि जो प्रिंटर आप मार्केट में देखते हैं, उसमें अधिकतर जो पेपर यूज होता है उसका साइज होता है A4 साइज। A4 साइज मतलब कि जो भी आप एक स्टैंडर्ड पेपर देखते हैं नॉर्मली, वो A4 साइज का पेपर होता है। अब सभी की बात नहीं कर रहे हैं। अब इसमें क्या होता है कि जब हम प्रिंट करने जाते हैं तो हमसे कंप्यूटर पूछता है कि इसमें आप ऊपर कितना जगह छोड़ेंगे, या फिर बाएं कितना जगह छोड़ना चाहते हैं, या फिर दाएं जगह छोड़ना चाहते हैं या नहीं, या फिर नीचे जगह कितना छोड़ेंगे। तो ये जो जगह छोड़ने वाली प्रक्रिया है इसको हम क्या कहते हैं, मार्जिन। अगला है कि एक डिजिटल वॉच में किस तरह का कंप्यूटर होता है, तो ये होता है एम्बेडेड कंप्यूटर। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन है जो कि कंप्यूटर डिवाइसेस के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, तो ये होता है नेटवर्क। अगला है कि डंब टर्मिनल क्या होता है, डंब टर्मिनल तो ये होता है सेंट्रल कंप्यूटर। इंटरनेट का क्या अर्थ है, तो इंटरनेट का अर्थ क्या है, इंटरनेट से क्या होता है, देखिए इंटरनेट में हर चीज़ कनेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि जो आप ब्राउज कर रहे हैं वो कहीं पे नहीं अपलोड है, वो कहीं पे किसी फाइल पे अपलोड करके रख दिया गया है। आप यहाँ से ब्राउज कर रहे हैं और हर बार यहाँ से डेटा आपको ला के दिया जा रहा है, तो ये सारे कनेक्टेड हैं। तो नेटवर्कों का एक सबसे बड़ा जाल है, इसे हम कहते हैं इंटरनेट। और इंटरनेट भारत में कब आया, तो ये आया 1995 में। अगला है कि बैकअप क्या है, तो बैकअप क्या है, बैकअप अगर आप अपने मोबाइल फॉर्मेट मारने जाते हैं तो आप बैकअप लेते हैं। बैकअप लेने का मतलब कि जो भी डेटा जिस स्थिति में है बाद में आपको उसी स्थिति में चाहिए, तो ये होता है बैकअप। और जब इसे हम उसी स्थिति में पाते हैं तो इसे कहते हैं रीस्टोर। तो सेम टू सेम मोबाइल और लैपटॉप में दोनों में एक ही नाम से कहा जाता है इसको। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि वर्ड का वह फीचर जो कुछ स्पेलिंग टाइपिंग और कैपिटल अक्षर या फिर व्याकरण की त्रुटियों को अपने आप ठीक कर लेता है। मतलब कि आप कुछ भी टाइपिंग कर रहे हैं उसमें कोई भी स्पेलिंग होगी तो उसको सही कर लेगा। टाइपिंग मिस्टेक होगी जैसे कि स्टार्टिंग में आपको कैपिटल लिखना चाहिए तो ये सही कर लेगा। कैपिटल अक्षर, व्याकरण की त्रुटि, तो इसको कहते हैं ऑटो करेक्ट। ये आपके जैसे होता क्या है कि वर्ड में हम जब कुछ भी टाइप करते हैं तो बाद में जब हम ऑटो करेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक सबको ठीक कर लेगा, ठीक करके आपको बताएगा कि हमने इसको इसको सही किया है। अगर आपको लगता है कि नहीं हमने सही लिखा था तो आप फिर से उसे चेंज कर सकते हैं। अगला है कि स्टोरेज डिवाइस पे जो मुख्य फोल्डर होता है उसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं रूट डायरेक्टरी। और जो इसके अंदर फोल्डर होता है उसे कहते हैं सब डायरेक्टरी। अगला है कि वह चीज़ जो निर्देशों को सरलता से समझ गई है क्या कहलाती है, ये होता है यूजर फ्रेंडली। मतलब कि जो भी यूजर फ्रेंडली होता है उसे जो यूजर हैं आसानी से समझ सकते हैं। देखिए आपको यूजर फ्रेंडली का एक उदाहरण बताते हैं। जैसे आपने कई वेबसाइट देखा होगा जिसमें अगर आप उसे आप लैपटॉप में ओपन करेंगे तो इसमें अलग व्यू दिखेगा, जैसे कि उसमें यहाँ पे इस तरह खाने दिखते हैं। लैपटॉप में अगर आप उसे ओपन करते हैं तब इस तरह, जैसे कि आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो होगा सरकारी एग्जाम पे। और अगर आप इसे मोबाइल में ओपन करेंगे तो ये आपको इस तरह नहीं दिखेगा। मोबाइल में आपको कैसे दिखेगा, ये सारे खाने ऐसे हो जाएंगे एक दूसरे के नीचे। तो ये जो हो रहा है इसे हम कहते हैं यूजर फ्रेंडली। आगे बढ़ते हैं तो अगला है सबसे आसान क्वेश्चन, कितने किलोबाइट में 1 मेगाबाइट होता है, तो ये है 1024। और चलिए आज के लिए आपका चौथा क्वेश्चन, अगर आपने वीडियो को सही से देखा होगा तो आप हमें कमेंट करके बताइए 1 TB में कितना MB होता है। MB बताना है आपको, ध्यान रखिए MB बताना है, मेगाबाइट। टेराबाइट में कितना मेगाबाइट होता है कमेंट करके बताइए। अगला है कि बाइनरी सिस्टम एक नंबर सिस्टम होता है, इसका आधार कितना होता है, तो ये होता है 2। देखिए बाइनरी सिस्टम मतलब कि 1 0 1 इस तरह जो भी होता है इसको हम बाइनरी कहते हैं। और इसको आप इस तरह लिखते हैं, जैसे कि अब इसको हल कैसे करते हैं कि अगर इसको आपको नंबर सिस्टम में बदलना होगा तो इसको जैसे कि 1 है 0 है 1 है तो इसमें 2 का पावर 0 * इसको करते हैं 2 का पावर 1 2 का पावर 2। अब 2 का पावर 0 मतलब 1 और 1 का गुणा होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1। 2 का पावर 1 मतलब 2 और 2 में 0 का गुणा होगा तो 0। 2 का पावर 2 मतलब 4 और 4 का 1 में गुणा होगा तो 4, यानी 4 * 1 = 5 होगा। यानी कि जो हमारा मेन नंबर है वो 5 आ गया, लेकिन अगर इसको कंप्यूटर की भाषा में लिखें तो 101 लिखेंगे। इस 5 को भी आप बदल सकते हैं उस तरह से। अगला है कि ASCII में कैरेक्टर निर्मित किए जाते हैं कितना, तो यह है 256।
अगला है कि वर्चुअल मेमोरी क्या होती है। तो वर्चुअल मेमोरी है हार्ड डिस्क की मेमोरी जिसे सीपीयू में एक्सटेंड रैम की तरह प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़े तो अगला है कि टास्क बार स्थित होता है। टास्क बार तो जो आपके कंप्यूटर में नीचे होता है बॉटम में, उसको हम कहते हैं टास्क बार। अगला है कंप्यूटर के स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं। हमेशा उस पर अब मतलब कि ब्लिंक करता रहता है, जैसे कि एक बार विजिबल होगा एक बार नॉन विजिबल होगा, तो इसे हम कहते हैं कर्सर। जैसे आप कोई भी चीज़ टाइप करते हैं, जैसे कि हम लिखते हैं प्रिंट, तो यहाँ पे कर्सर यहाँ पे ब्लिंक करेगा, हमेशा यहाँ पे अप डाउन होता रहेगा। जंक ईमेल को क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं स्पैम, मतलब कि खराब। और इसको अगर कंप्यूटर में कोई खराबी होती है तो इसको हम कहते हैं बग। अगला है कि URL, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो ये देखिए URL में पूछा गया कि क्या होता है। तो URL मतलब कि किसी भी वेबसाइट का एड्रेस, जैसे कि कोई भी वेबसाइट होता है उसका एड्रेस होता है, उसको हम कहते हैं URL। अगला है कि XLSX इंस्ट्रक्शन का प्रयोग किस तरह की फाइलों के लिए किया जाता है, तो ये होता है एक्सेल में। दरअसल देखिए एक्सेल में जब भी आप कोई काम करेंगे और उस फाइल का जो भी आप नाम रखते हैं, जैसे उस फाइल का नाम रख देते हैं अगर आप स्टडी फॉर जॉब, तो यहाँ पे अगर आपने एक्सेल में उसे काम किया है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक इसके बाद डॉट लग के XLS आ जाएगा। अगर आप कोई फोटो बनाते हैं और उसका नाम स्टडी फॉर जॉब रखते हैं तो स्टडी फॉर जॉब्स डॉट JPG लिखेगा, तो ये होता है। अगला है कि ओपन प्रिंट और सेव, ये सभी बटन कहाँ पर स्थित होते हैं, तो ये होते हैं स्टैंडर्ड टूल बार में। अगर आप चाहे वर्ड पैड खोलें, प्रिंटर प्रिंट खोलें, या फिर इसके अलावा MS वर्ड खोलते हैं, MS पावर पॉइंट खोलते हैं, तो ये सब होते हैं स्टैंडर्ड टूल बार में। अगला है कि स्प्रेड शीट जिस पॉइंट पे एक कॉलम और रो इंटरसेप्ट करता है उसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं सेल। सेल का मतलब कि इस तरह होता है, इसे हम कहते हैं सेल। अगला है कि वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, तो ये होता है डॉक, मतलब कि डिस्क। और एक बार आपसे पूछा जाता है डॉक का फुल फॉर्म, तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसका फुल फॉर्म होता है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और कम से कम एक से दो लोगों को ज़रूर शेयर करिए। और आप इसका PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे। इस तरह की ढेर सारी वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। तो इस तरह की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो ये है sarkariexam.me। आपको इस वेबसाइट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इस वीडियो का PDF आपको इसी वेबसाइट पे मिलता है। अगर आप इसे अपने लैपटॉप में ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का व्यू दिखेगा, और अगर आप इसे अपने मोबाइल में ओपन करते हैं तो आपको कुछ इस तरह का व्यू दिखता है। इसमें सबसे फायदे वाली बात यह है कि सबसे पहले आपको लेटेस्ट जॉब का सेक्शन मिलेगा, लेकिन उसके नीचे जाने पर आपको GK टेस्ट का सेक्शन मिलता है। यहाँ पे ढेर सारे GK के टेस्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं। वहाँ पे जाके आप एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप GK का टेस्ट दे सकते हैं। इसमें पॉलिटी GK, कंप्यूटर GK, इंडिया GK और इस तरह के स्टेट वाइज GK भी अपलोड किए गए हैं। इसके साथ ही जो वीडियो YouTube चैनल पे अपलोड की जाती है उसका PDF आप यहाँ पे स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में आके डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आप किसी भी मटेरियल को या फिर किसी भी पेज को अपने दोस्तों में शेयर करना चाहते हैं तो आपको शेयर करने का लिंक सीधे उसी पेज पर नीचे मिल जाएगा। इसे आप WhatsApp, Twitter, Facebook या फिर Telegram पे बड़े ही आसानी से भेज पाएंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें।